अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको सर्दियों में एग फ्रूट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अंडों को बॉईल करना है। आपने अंडों को 10 to 15 मिनट्स के लिए बॉईल कर देना है। उसके बाद आपने एग को क्रशर के जरिए, ये क्रशर एक है, स्मॉल साइज क्रशर है, 30 रुपये का मिल जाता है, उसके जरिए आपने इसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है वो बर्ड्स बड़े आसानी के साथ वो एग को खा सकते हैं। इसमें कुछ भी आप मिक्स कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मिक्सअप भी हो जाता है। इसको क्रश करने के बाद इस तरह की शक्ल इसकी निकल आएगी एग फूड की। उसके बाद इसमें आपने इंग्रेडिएंट कौन कौन से डालने हैं, जो मैं डालता हूँ, ये एग एंड बिस्कुट मिक्स है, ये आलियन ब्रदर्स का है, ये आपको एलो शॉप से मिल जाता है, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है ये 1300 रुपये का पैकेट है 1 kg। इसके अलावा झींगा पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और डी न्यूट्रिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉल्वेट डिबिटर भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चूंकि वो अवेलेबल नहीं था मेरे पास आज, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। ये मेरे पास 1.25 ग्राम का चम्मच है। इसके मैंने 7 जो है स्पून्स वो मैंने बिस्कुट मिक्स के डाल देने हैं, यानी कि अराउंड ये 8 से 9 ग्राम जो है बनेगा ये बिस्कुट मिक्स। ये 8 से 9 ग्राम जो है वो आपने जो है बिस्कुट मिक्स जो है डाल देने हैं इसके अंदर, एग फूड के अंदर। उसके बाद आपने जो चीज़ डालनी है वो है झींगा पाउडर। झींगा पाउडर भी जो है बहुत कमाल की चीज़ है, और वो प्रोटीन्स का एक बहुत कमाल सोर्स है, और बर्ड्स को हीट पे लेके आता है, और सर्दियों में तो बहुत ही फायदेमंद है। इसका आपने 1 स्पून डालना है, यानी कि 1.25 ग्राम जो है वो आपने झींगा पाउडर डालना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने डीन्यूट्रिकल का भी एक चम्मच डाल देना है, ये 1.1 ग्राम अराउंड जो है डीन्यूट्रिकल भी डाल देना है इसके अंदर। इतनी क्वांटिटी आपने सॉल्वेट इनहिबिटर की डालनी है, जो कि आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं जो है वो यूटिलाइज करूंगा जब मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, और कुछ ऐसी शक्ल निकल आएगी। यह फूड आपकी बर्ड को सर्व करने के लिए तैयार है।